हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और स्वागत है हमारे हाईटेक इंटीरियर चैनल पर। तो आज हम फिर सुपरविजन साइट पर पहुंच चुके हैं और आज हमारे साथ हमारे मित्र भी साइट में हैं जो कुछ ना काम करते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले वीडियो में उनसे आपको मुलाकात करा दी है और ये देखिए मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो मैं आपको इनका कांटेक्ट नंबर दे देता हूँ। ये क्वेश्चन का काम बहुत ही शानदार कर देते हैं। ये उनका नंबर है, ये मेरा जीमेल आईडी है। और अगर मेरी जीमेल आईडी से जिसको प्रॉब्लम हो, मतलब कांटेक्ट जिससे ना बने, तो वो अरविंद को फ़ोन लगा सकता है, तो उससे मेरा कांटेक्ट हो सकता है। हाँ तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ वीडियोस लाया हूँ जिसमें आप थोड़ा अपने हिसाब से देख सकते हैं, जैसे कि सीलिंग वगैरह किस प्रकार की, अभी जो नया ट्रेंड वगैरह चल रहा है, जो अभी पुराना ट्रेंड है उसमें पीओपी नॉर्मल कराते हैं, अब जो नया ट्रेंड है उसमें ये जो शीट्स वगैरह यूज़ हो रही हैं जिसको वीनियर शीट्स कहते हैं, तो वो यूज हो रहे हैं। तो चलो मैं आपको पहले एक रूम का इंटीरियर दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये भी एक टीवी के लिए नॉर्मल सा बना हुआ है, शोकेस है, मतलब ज़्यादा इस कमरे को हमने ब्रॉड नहीं किया है। और ये ऊपर वीनियर प्लाई यूज़ हुई है जैसा आप देख रहे हैं, और ये प्रॉपर लाइटिंग की गई है। आर्किटेक्चरल के थ्रू ये पूरा रिव्यू दिया गया है, और इसमें जो बेड में जो डिज़ाइन थी वो अरविंद के द्वारा ही की गई है, उसे कोई आर्किटेक्चरल ने नहीं किया। और आप देखिए डिज़ाइन, उस अरविंद ने भी उसमें इतना ज़्यादा दिमाग लगाया है। तो जैसा आप देख रहे हैं, अब मैं आपको रेलिंग वगैरह दिखा ले रहा हूँ। स्टेनलेस स्टील के पाइप्स रहते हैं जिसमें प्रॉपर बोर्ड की कवरिंग करके उसके ऊपर वीनियर लगा दी जाती है, और वीनियर लगाने के बाद उसके ऊपर पॉलिश की जाती है। ये बहुत ज़्यादा टाइम लैप्स करता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हम लोगों को लगता हो कि एक डब्बा बनाए और हमने ठोक दिया, तो इतना बस काम नहीं रहता। उसको बनाओ, उसको सेट करो, उसके बाद उसको रिफिल करो, फिर उसके बाद उसकी पूरी कटिंग करो, फिर उसके बाद उसको पूरा चिपकाओ प्रॉपर तरीके से, फिर उसके बाद पॉलिशिंग करो। तो वर्क अच्छा होता है तो समय ज़रूर लगता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जो बड़े बड़े वर्क रहते हैं उनमें आपका समय लगेगा ही। तो आपको मैं और दिखा देता हूँ, ये रेलिंग देखिए कितना लग्जीरियस फील कर आ रहा है घर के। और थोड़ा सीलिंग के बारे में दिखा दे रहा हूँ, ये सीलिंग 20 फीट लंबी है, नहीं सॉरी सॉरी 30 फीट लंबी है और 20 फीट अप्रोक्स चौड़ी हुई है। तो ये देखिए, ये हम लोग का काम वगैरह चल रहा था सोफे का, तभी हमने वुड वीडियो वगैरह शूट किया है। ये देखिए, हम फिर से आपको सीलिंग दिखा देते हैं। तो देखिए आप सीलिंग फिर से। तो दोस्तों यही दिखाना था मेरे को आपको, और मैं ये कह रहा था कि जो हमारा, हाँ तो दोस्तों आपने देख लिया होगा हमारे वीडियो बनाने का पर्पस, जनरली हमारा यही होता है कि हम किसी भी, मतलब हम यदि जैसे काम कराते हैं तो हम ना, अगर हम आर्किटेक्चर हायर नहीं कर सकते हैं तो दरअसल ये वीडियोस को देख के अपने द्वारा काम करा के, क्योंकि हर एक इंसान को हर एक इंजीनियर का या आर्किटेक्ट का काम पसंद नहीं आता, मतलब उनके हिसाब का नहीं हो पाता। खैर वो उनसे अच्छा भी हो जाता है ये भी, और उनके हिसाब का भी नहीं हो पाता, और वो इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, एक आर्किटेक्चर के थ्रू काम कराना बहुत ही कॉस्टली पड़ जाता है। तो मैं यही चाहूँगा, मैं मेरा वीडियो लाने का पर्पस यही है कि आप डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन देखिए, उसके बाद आप उसको कंसल्ट कीजिए कैसे मुझे क्या बनाना है आने वाले घर में, क्योंकि घर जो है वो एक बार बनता है, उसको बार बार तोड़ के बार बार रीडिज़ाइन करने में वो मज़ा नहीं आता। इसलिए मैं चाहता हूँ, यदि आप घर बनवा रहे हैं तो घर बनवा रहे हैं तो उसके हिसाब से स्पेस छोड़िए, उसके हिसाब से किस प्रकार का इंटीरियर होता है उसके बारे में देखिए, और भी बहुत सी चीज़ मैं आपके धीरे धीरे आपको एक से एक वीडियो डालता रहूँगा। मैं आपके लिए वीडियो डालता ही रहूँगा और मैं एक से एक वीडियो डालूँगा। अभी मैं ये इंटीरियर से, वुड वर्क से रिलेटेड डाल रहा हूँ, आने वाले समय में आपको मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी डालूँगा। आपको नक्शे कैसे बनाने चाहिए, नक्शे की डिज़ाइन कैसी होना चाहिए, नक्शा किस फेस में होना चाहिए, तो ये भी आपको आने वाले समय में फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगा। तो मैं आपके लिए एक से एक वीडियो लाता रहूँगा, आप बस कमेंट कीजिए आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए, तो आपको हर एक वीडियो मिला रहेगा। आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चाहिए, आपको पीओपी से रिलेटेड चाहिए, सीलिंग से रिलेटेड चाहिए, एलुमिनियम सेक्शन से रिलेटेड चाहिए, आपको जिस चीज़ का नॉलेज चाहिए वो नॉलेज मैं दूंगा आपको। बट
लेकिन आपको मेरे चैनल को शेयर करना होगा, लाइक करना होगा, और मैं आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिज़ाइंस कलेक्ट करता रहूँगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आपको अपने घर के लिए ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप अपने घर को स्वयं सेल्फ ही बना पाएंगे, आपको इंजीनियर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो को यहीं क्लोज़ किया जाए। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।